बैक टू द चैनल। आज हम आए हैं स्टेकेशन के लिए करजत के फॉरेस्ट क्लब रिसॉर्ट में, और हमने जो व्लॉग है वो डायरेक्टली रिसॉर्ट पहुंच के शुरू किया, बिकॉज जो रूट है वो यूजुअल था, उसमें दिखाने ऐसा कुछ भी नहीं था। तो चलिए व्लॉग की शुरुआत करते हैं रूम देखकर। हमने बुक किया है डिलक्स रूम, और यहाँ पर डोर्स नहीं है, डोर्स के जगह पर स्लाइडर्स है। तो ये ग्लास के स्लाइडर्स है, तो इसको कवर करने के लिए उन्होंने कर्टन्स दिए हैं, और डार्क शेड के कर्टन्स है ताकि जो प्राइवेसी है वो अच्छे से मेंटेन हो। यहाँ पे ये बहुत ही कम्फी बेड है। यहाँ पे उन्होंने दो चेयर और एक छोटा सा टेबल दिया है, जो कि मोस्टली हम लोग बाहर रखेंगे, बिकॉज थोड़ा स्पेस छोटा है यहाँ पर। ये एक यहाँ पर फ्रिज दिया हुआ है जो कि एम्प्टी है पूरा। ये कवर्ड है जहाँ पे हम लोगों ने हमारा सारा सामान डाल दिया है। हम आए हैं 2 दिन के लिए, बट हमारे 6 बैग्स है टोटल। सो ये वॉशरूम है, और ये शावर है। शावर काफी अच्छा है यहाँ पे, बड़ा शावर है। सो ये है हमारा 2 दिन के लिए छोटा सा घर। सो गाइज, फॉरेस्ट क्लब रिसोर्ट जो है वो उनके पूल साइड व्यू वाले रूम्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। 3 डिफरेंट कैटेगरी के रूम्स है। पहला है डिलक्स कैटेगरी जो हमने बुक किया है, उसके बाद आता है प्रीमियर कैटेगरी जो इससे थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड पे है, और फिर आता है एग्जीक्यूटिव रूम्स जो कि बिल्कुल पूल को लग के है। अनफॉर्चुनेटली जो एग्जीक्यूटिव पूल साइड रूम्स थे वो अवेलेबल नहीं थे, क्योंकि हमने बुकिंग काफ़ी एंड मोमेंट पर करी थी, तो हमें इसलिए डिलक्स रूम बुक करना पड़ा। और मुझे बुकिंग से एक्चुअली याद आया, मैं मेरे सारे बुकिंग्स के लिए वीगो ऐप का यूज़ करती हूँ, और इस ऐप की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि ये डिफरेंट वेबसाइट, जैसे कि मेक माई ट्रिप हो गया, या फिर agoda.com, booking.com, और भी कई वेबसाइट से आपको जो होटल पसंद है उसके प्राइस को कंपेयर करके आपको बेस्ट डील देता है। सिमिलरली फ्लाइट्स बुकिंग के लिए भी ये डिफरेंट वेबसाइट्स के साथ प्राइस कंपेयर करके आपको चीपेस्ट रेट देता है आपके फ्लाइट का। ये ऐप मल्टीपल लैंग्वेजेस और करेंसी को सपोर्ट करता है, यानी कि आप अपने इंटरनेशनल बुकिंग्स भी इससे इजीली कर पाओगे। ट्रैवल करते समय काफ़ी बार हमें इंटरनेट का इश्यू फेस करना पड़ता है, बट इस ऐप का अच्छा बात यह है कि ये लो कनेक्टिविटी में भी बहुत फास्ट लोड होता है, और इसी रीज़न से आपके जो लास्ट मिनट के बुकिंग्स है आप वो इजीली कर पाओगे, जैसे हमने इस रिसॉर्ट का बुकिंग किया है लास्ट मिनट पर। कुछ तो बोलना, बात करती तू, बाप रे, मेरा काम है बात करना। बाय द वे, आप लोगों को मेरा नया हेयर कलर कैसा लग रहा है वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कलर हो गया हेयर कलर, तो मैं बहुत ज़्यादा टेंस थी, उनके रिएक्शन के लिए भी मैं टेंस थी। अच्छा लग रहा है, बट फर्स्ट टाइम देखा तो मुझे ऐसा लगा कि जा गई थी सिर्फ हेयर कट करने कुछ तो थोड़ा बहुत, और पूरा कलर करके आ गई। मस्त है ना ग्रीनरी एकदम। हाँ, व्यू बहुत सही है यहाँ से, देखो ना पूरा वाटरफॉल दिख रहा है और मस्त लग रहा है, और ये मुझे पूल भी बहुत अच्छा लगा, इन्फिनिटी पूल है। ट्रेन जा रहा है, वापस जाना है घर पे? नहीं, आज तो स्काई बहुत ही अच्छा क्लियर है और मस्त धूप गिरा है यहाँ पे। अभी हम आए हैं एक्चुअली कैफ़े में जाने के लिए, उनके ऊपर बैठेंगे, मस्त व्यू एंजॉय करेंगे, और यहाँ पे उनका इन्फिनिटी पूल है। ओके, सो नीचे रेस्टोरेंट है और ऊपर जो है वो उनका बार है, बट हम ऊपर जाके ही बैठेंगे, क्योंकि ऊपर से माउंटेंस का जो व्यू है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, और डेफिनेटली कॉफ़ी भी मिलेगी ही वहाँ पर। सो हमारा पचका हो गया है, यहाँ पे बार में कॉफ़ी हम लोग नहीं ऑर्डर कर सकते, नीचे जाके ही हमें कॉफ़ी पीनी पड़ेगी। जहाँ पे मैंने आपको माउंटेन का व्यू दिखाया, उसके ऑपोजिट साइड से पूरा रिसॉर्ट दिखता है, हमारे रूम्स भी दिखते हैं वहाँ से। सो ये है पूरा रिसॉर्ट का एरिया। ये पक्षी तेरे ऐसा नहीं दिखता है? कुछ भी देखना, थोड़ा चिड़की है तेरे ऐसा ही है। मैं चिड़की नहीं दिखती है? हाँ, बट ऐसा ही है ना मुँह, मतलब क्यूट है पर चिड़की है। मेरा फेस चिड़क्या है कि नहीं आप लोग मुझे बताओ, बिकॉज ये मुझे पहले भी ना एंग्री बर्ड बुलाते थे, जब एंग्री बर्ड का गेम आया था याद है ना आपको, आप मुझे एंग्री बर्ड बुलाते। हमने ऑर्डर किया है मेरे लिए ऑरेंज जूस, बिकॉज यहाँ पे सोया मिल्क या फिर आलमंड मिल्क नहीं है, तो मैं कॉफ़ी नहीं ऑर्डर कर पाई।
मुंबई से करजत तक के रोड पे भी कोई भी स्टारबक्स वगैरह नहीं है, तो मैं और कॉफ़ी नहीं पी पाई। इन्होंने कॉफ़ी ऑर्डर किया है नॉर्मल, ये कॉफ़ी नॉर्मल है बट 110 का है। ये नॉर्मल अपना टोस्ट सैंडविच है, तो अच्छा लग रहा है, पर फीलिंग काफी अच्छा लग रहा है, फीलिंग अच्छी, चीज भी है इसमें। The next day हमने सुबह उठ के ब्रेकफास्ट किया जो कि काफी अच्छा था। बाद में स्विमिंग पूल में काफी ज्यादा टाइम स्पेंड किया हमने, बहुत मजा आया एक्चुअली हमें, जिसके फुटेजेस मैं अभी प्ले करूंगी तो आप देख लेना, आपको समझ आएगा कि हमने कितना ज्यादा एंजॉय किया। अभी हम लोग ये इन्फिनिटी पूल में आए हैं और एक्चुअली ये काफी डीप है, काफी 5 feet है और मेरा हाइट जो है 4'11" है। कि अभी मैं टो पे खड़ी हूँ, अगर मैं पैर पूरा नीचे रखूंगी तो मेरे सर तक पानी आ जाएगा। मुझे एक्चुअली जहाँ पे फोटो क्लिक करना था वो इन्फिनिटी व्यू के साथ ऊपर रख के तो खड़ी है। स्विमिंग करने के बाद एक्चुअली बहुत ज़्यादा भूख लगती है, तो अभी हम लंच करने आए हैं और लंच में हमने बुफे लिया है जिसका कॉस्ट है 700 rupees पर पर्सन। और अच्छी बात यह है कि इसमें सारी चीज़ें इंक्लूड होती है, जैसे कि सूप होता है, सैलाड होता है, फ्रूट सैलाड भी होता है, प्लस चाइनीज़ होता है, पास्ता होता है और इंडियन मेन कोर्स भी होता है, यानी कि रोटी सब्जी दाल राइस। वर्थ इट लगा क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लगी है, तो हम ठीक से खा भी पाएंगे। मस्त है, हाउ इट इज, कैसा है ब्राउनी? पूल साइड के जो रूम्स है वो चेक करने जा रहे हैं, वहाँ का पूल भी बहुत यूज है, वैसे तो एक्सेस नहीं है, स्टाफ बहुत ही अच्छे हैं, उन्होंने अग्री किया हमें दिखाने के लिए और आप सभी लोगों को भी दिखाने के लिए। लेट्स सी, सो गाइस ये है सारे रूम्स को लग के, ये बहुत बड़ा स्विमिंग पूल है और ये इस प्रॉपर्टी का हाईलाइट, जब भी आप फोटोज वगैरह देखोगे तो आपको ये दिखेगा। यहाँ पे गार्डन एरिया है, ये पूल है, यहाँ पे एक्चुअली 14 rooms है, 14 rooms को लग के पूरा पूल है, ये बहुत ह्यूज एरिया है, मस्त है, पैसा वसूल वाला रूम है ये। अगर आप स्विमर हो और आपको पूल्स बहुत ज़्यादा पसंद है तो आपने डेफिनेटली ये वाला रूम बुक करना चाहिए, थोड़ा डिलक्स रूम से एक्सपेंसिव है बट पूरा वर्थ इट रहेगा। थैंक यू संदीप। वेलकम मैम। सो इस रिसोर्ट में कैफ़े और पूल के अलावा गेम रूम और जिम भी है, तो अभी थोड़ा सा धूप है तो हमने सोचा कि इंडोर टाइम स्पेंड करते हैं, तो अभी हम पहले चल के देखते हैं जिम और गेम रूम भी देख लेते हैं। गेम रूम के जस्ट पहले यहाँ पे छोटे से बच्चों के लिए स्लाइड और सीसॉ भी रखा है। सो ये जिम है और व्यू भी बहुत सही है, व्यू तो बहुत अच्छा। वैसे तो मुझे समझता नहीं है कि इतने अच्छी जगह पे आके कोई जिम क्यों करेगा, बट ऑब्वियसली अगर कोई बहुत ज़्यादा फिटनेस फ्रीक है तो उनके लिए अच्छा है, इनफ इक्विपमेंट से ऑब्वियसली लोग 2-3 दिन से ज़्यादा तो आएंगे नहीं यहाँ पे, तो उस हिसाब से काफ़ी अच्छा जिम है। मैं तो एकदम फिट हूँ, मेरा पेट छोड़ दिया ना तो मैं एकदम फिट हूँ। जिम के एग्जैक्ट ही पास में है ये गेम रूम। सो यहाँ पे टेबल टेनिस है, कैरम बोर्ड है, चेस है और ये स्नूकर है। हम लोग को ज़्यादा खेलने में टेबल टेनिस मज़ा आता है। इनके बर्थडे के लिए अब जब हम लोनावला गए थे तब हमने टेबल टेनिस खेलना स्टार्ट किया था, तो तब से जिधर भी हम जाते हैं और टेबल टेनिस रहता है तो हम खेलते हैं, बहुत मज़ा आता है खेलने में। सो अभी हम खेल रहे हैं कैरम और कैरम खेलते टाइम हमेशा मैं जीतती हूँ क्योंकि इनको अच्छे से आता नहीं है। झूठ बोल ले, झूठ नहीं, झूठ नहीं है, सच है। लेट सी कौन जीतता है। 230, 240, तेरा कितना है? 100 है। ठीक है ना, मैंने आपको चांस दिया जीतने का। सो कुछ गेम्स खेलने के बाद हम फिर से पूल एरिया के पास आ गए टाइम स्पेंड करने के लिए। एक्चुअली जो हाईलाइट है ना इस रिसोर्ट का वो ये इन्फिनिटी पूल है, बिकॉज व्यू सभी साइड से बहुत ही सही है, एक साइड से माउंटेन है और एक साइड से पूरा ग्रीनरी है, बहुत ही अच्छा व्यू है। तेरा सुबह वाला सीन पता, तू जब कुछ में डूबने वाली थी, है मैं क्लिप इसके बाद में प्ले करूंगा। वो आता ना स्विमिंग, तो आराम से आराम से तेरे को स्विमिंग आता था क्या? किसने बोला ओवर एक्टिंग करने को? डूबने का ट्रेलर मिला।
वो भी जकूसी में होता है जिसको नहीं आता है ना। बड़े ओवर एक्टिंग में बोल रही थी मैं पीछे से तैरने जाऊंगी, बैलेंस गया और इधर तक ही पानी है, फिर भी डूबने वाली थी। होता है ऐसा, नहीं आता है जिसको स्विमिंग उसके साथ ऐसा हो सकता है। मेरा तो फिर से ऐसा मन कर रहा है कि जाऊँ अंदर पूल पे, बट ये ना बोल रहे। और वैसे भी थोड़ा थकान लगा है क्योंकि सुबह हम लोग लिटरली 1.5 से 2 घंटा पूल में थे। ये रिसोर्ट एक्चुअली ज़्यादा बड़ा नहीं है, रूम्स भी लिमिटेड है। हाईलाइट है वो है उनका मियांडरिंग पूल, यानी कि जो पूल को लग के सारे रूम्स है और इतना बड़ा पूल है, इसी के लिए लोग आते हैं। और इनफैक्ट इनका इन्फिनिटी पूल भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। सो अभी वो ड्रोन फ्लाई कर रहे हैं और धूप बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो मैंने सोचा मैं एसी में थोड़ी देर बैठ लेती हूँ क्योंकि काफ़ी गर्म हो रहा है। तब तक मैं आपको ये बता दूँ कि हमें टोटल कॉस्टिंग हमारा कितना हुआ है। हमने 2 नाइट्स के लिए डिलक्स रूम बुक की है जिसका पर नाइट का है 6,000 रुपीज़, यानी कि 2 नाइट्स का है 12,000 रुपीज़। इसमें हमारा ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है। हमने ये लास्ट मिनट पर बुकिंग करी थी इसलिए हमें थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ा। अगर आप 1 महीने या फिर 1.5 महीने पहले बुकिंग करते हो तो आपको अच्छा डील मिल सकता है। लास्ट मिनट पर बुकिंग अगर आप करते हो तो प्रीमियम रूम और जो पूल व्यू यानी कि एग्जीक्यूटिव रूम्स है, इसका कॉस्टिंग लगभग 8,500 के आसपास है। एक और चीज़, ऐसा कुछ भी नहीं है कि वीकेंड्स पे ज़्यादा रश है, अभी भी हम लोग वीकडे में आए हैं एक्चुअली, बट अभी भी पूरा रिसोर्ट फुल्ली बुक्ड है। तेरा लुक एकदम हवाईयन लग रहा है रे। यहाँ पे इस फ्लावर के बहुत सारे पेड़ है तो मैंने एक फ्लावर लगा के बालों पे लगाया और मुझे इन्होंने कॉम्प्लीमेंट भी दिया कि मैं हवाईयन दिख रही हूँ क्योंकि मैंने ड्रेस भी वैसा डाला है। अभी हम कॉफ़ी पीने आए हैं और वेदर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि जस्ट काफ़ी ज़ोर से बारिश आके गया तो एकदम ठंडा है, परफेक्ट वेदर है गरम गरम कॉफ़ी पीने के लिए, है ना। और दूसरी चीज़ मुझे आपको ये बतानी है कि यहाँ पे नेटवर्क का काफ़ी इशू है, मतलब रूम से बाहर अगर आप आओगे तो थोड़ा बहुत मिल भी जाता है बट रूम के अंदर बिल्कुल नहीं मिलता। इस वजह से हम लोग कोई भी स्टोरीज अपलोड नहीं कर पा रहे, बट मैंने एक इन्फॉर्म करने के लिए स्टोरी अपलोड की है। अगर आप इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो नहीं करते तो ज़रूर फॉलो कीजिए क्योंकि हम जब भी ट्रैवल करते हैं तो हमारे सारे लाइव अपडेट्स हम वहाँ पे डालते हैं स्टोरीज में। सो अभी नेक्स्ट डे है और हम चेकआउट कर रहे हैं। हमारा स्टे बहुत ही ज़्यादा अच्छा था और अभी बुरा लग रहा है चेकआउट करते समय, जैसे हर बार ही होता है। जितना भी हमारा एक्सपेंसेस हुआ ट्रैवल, फूड और यहाँ पे स्टे का, वो मैं सारा एंड स्लाइड में दे दूँगी ताकि आपको ईजियर हो। और अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो 1 नाइट भी मोर देन इनफ है, ज़्यादा बड़ा रिसोर्ट नहीं है, पूरा एक दिन में आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। सो गाइज, इस रिसोर्ट के स्टे को हम रेटिंग इस तरीके से देंगे। फूड को जो है वो मैं दूंगी 8/10, जो ओवरऑल रिसोर्ट का एम्बियंस है उसे भी मैं अगेन दूंगी 8/10 और 8 जस्ट बिकॉज पूल बहुत ही ज़्यादा अच्छा है इस वजह से। जो ओवरऑल सर्विस है रिसोर्ट का उसे भी मैं दूंगी 7/10 क्योंकि स्टाफ थोड़ा सा स्लोअर है। इस रिसोर्ट के वैल्यू फॉर मनी के लिए भी मैं दूंगी 7/10, मुझे थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड पे लगा, स्पेशली जो हमने डिलक्स रूम बुक किया था उसका साइज़ काफ़ी कॉम्पैक्ट था और जो कॉस्टिंग था वो मुझे थोड़ा ज़्यादा लगा, तो इसी वजह से इसे मैं 7/10 दूंगी, कंसिडरिंग एमिनिटीज़ भी बहुत ही लिमिटेड है। आज से एक्चुअली वीकेंड स्टार्ट हो रहा है तो उस वजह से थोड़ा ज़्यादा रश है यहाँ पे। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ गाइज, आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया रहेगा। अगर किया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, अगर आपके पास ऐसे रिसोर्ट के कोई रिकमेंडेशन है जो मुंबई, पुणे और नासिक से पास में है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाय वांडरर्स।